दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से और वीडियो में। तो अपने पास एक गाड़ी आई है, फोर्ड टाउरस 2019 मॉडल का है, सही है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले इसका रेडर लीक कर रहा था, एक्सीडेंट वाला, तो हम रेडर चेंज किए थे। अभी भी पानी लीक कर रहा है, लेकिन रेडर से नहीं, कहीं और से पानी लीक कर रहा है। तो कोई वर्कशॉप में ये गया तो उसने बताया कि इसका टर्बो लीक कर रहा है, और जाहिर सी बात है कोई भी अगर बाहर से देखेगा तो यही बोलेगा कि टर्बो लीक कर रहा है, टर्बो चेंज करना पड़ेगा। बोले कि चलो ठीक है, हमारा कस्टमर है, ठीक है, देखते हैं, खोलते हैं। तो हम खोले तो देखा कि भाई पानी तो टर्बो से ही आ रहा है, सही है। हाँ, पानी टर्बो से ही आ रहा है, वहीं से लीक कर रहा है, लेकिन टर्बो लीक नहीं है, कोई और कुछ और लीक है। पाइप वाइप भी लीक नहीं है, पानी का जो सप्लाई होता है वो भी लीक नहीं है, सही है। तो हम खोले, खोल के देखे, दिखाएंगे आप लोगों को। खोला तो नहीं है अभी लोग, खोलना है अभी, दिखाएंगे क्या क्या खोलना पड़ता है सब, सही है। तो बस देखिए, आप देखते रहिए फिर क्या क्या होता है, सही है दोस्तों। चलो, तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, सही है। होगा दोस्तों, चलो फिर गाड़ी के अंदर, तो अपनी गाड़ी देखते पहले कौन सी गाड़ी है। ये गाड़ी है 2019 मॉडल है, सही है, फोर्ड की गाड़ी है, नई गाड़ी है, अभी ज़्यादा ये भी नहीं हुआ है। चलो दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखना, और पता चलेगा फिर क्या क्या होता है। ये देखे दोस्तों, इसका टर्बो खोलना है, इसका टर्बो लीक कर रहा है, सही है। ये रहा इसका टर्बो, देख गर्म है, ये ना ये पानी लीक कर रहा है इसमें टर्बो में, देख रहे हो पानी, एक यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ देखो पानी। तो इसका खोलना है, देखना है कि पानी लीक कहाँ से कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पानी कम हो रहा है इसके अंदर, वही चेक करना है कि आज पानी लीक कहाँ से हो रहा है। इसके लिए हमको पहले कवर खोलना पड़ेगा, ये ऑयल का पाइप खोलना पड़ेगा, कार का खोलना पड़ेगा, वायरिंग पूरा, ऊपर का पाइप, और ये भी खोलना पड़ेगा, साइलेंसर इसका, सही है दोस्तों। इससे पहले हमको यहाँ खोलना पड़ेगा। चलो तो फटाफट खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसका पहले कवर खोलते हैं, फिर देखते हैं कि ये लीक कहाँ से कर रहा है, सही है। ये कवर खोल के देखते हैं, एक नीचे नट है बोल रहे हैं, और दो ऊपर है, ऊपर बोल रहे हैं, सही है। चलो फटाफट खोलते हैं, फिर देखते हैं, देखो कहाँ से लीक कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने भी इसका कवर खोल लिया है, ये देखो लीक कहाँ से है, यहाँ से पानी लीक कर रहा है, यहाँ कैसे लीक हो सकता है पानी। इसका पाइप वाइप इधर है, एक इधर है, एक उस साइड पे है, नीचे साइड पे है, एक ये तो ऑयल वाला है, ये भी ऑयल वाला है, ये पानी का है, और एक ऊपर पानी वाला है, वहाँ तो पानी लीक नहीं है, लेकिन यहाँ से कैसे लीक कर रहा है, ये चलो। तो अभी हमने सबका पाइप वाइप सब खोल लिया है इसका, फटाफट इसको पहले टर्बो खोलते हैं, इसका एक बोल्ट अंदर है, ये पानी कैसे खुलेगा, ये वाला बोल्ट अंदर बोल्ट है, ये वाला नट, नट देख रहे ना, ये वाला नट, एक ऊपर है, एक उधर है, ये पहले इसको निकालना पड़ेगा, ये वाला कंप्लीट, फिर बाद में ये निकलेगा। चलो तो फिर ट्राई करते हैं, सबसे पहले इसका पाइपलाइन खोलते हैं सब, एक ये रहा, एक वो रहा, और एक ये वाला रहा वाटर वाला, ये वाला है, ये वाला है। चलो तो फिर फटाफट खोलते हैं और देखते हैं, देखो आखिर यहाँ से क्यों लीक कर रहा है, यहाँ से तो लीक नहीं होना चाहिए, सही है दोस्तों। चलो तो वीडियो को फटाफट देखते रहें, पूरा वीडियो देखना तब काम आएगा आपका। चलो ठीक है, ओके, खोलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका भी निकाल लिया है टर्बो, सही है। समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ से, यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर कहाँ से, ये लीक है, देख रहे हो यहाँ पानी आ रहा है, ये देख रहे हो यहाँ पानी है, फिर यहाँ से वो यहाँ निकल रहा है,
ये देख रहे इसका हॉल है ना, ये यहाँ से कहीं से लीक है अंदर में। सही है, तो इसका मतलब है बड़ा वाला। चलो ये पाइप निकालते हैं, फिर उसके बाद ये भी निकालते हैं। बड़ा आधा बड़ा मुमकिन बड़ा बस आधा आधा आशारा बस आशारा बस अरे आसन शुभ बर्रा बसा था बाद में शुभ थी वही नीचे मुझे यहाँ तो सही है, इधर तो सही है, बस यहाँ पानी कहाँ से लीक कैसे हो गया अंदर। बस असम का मेला था जदी नहीं जी का मेला था जो ऑयल का जो लाइन है इसमें फिल्टर लगा हुआ है। इसके बाद निकालते हैं पूरा और देखते हैं। कहाँ से लीक कर रहा है, क्यों लीक कर रहा है। वो मैं जब भी अपना गाड़ी का सामान या किसी और का मैं कह रहा हूँ इसमें इतना करो लेता बिल्कुल लेता ही नहीं है। अच्छा अगर मैं उसको इधर पकड़ूँ तो मैं चीजा उसमें रखा लेकिन मैं डरता हूँ शेर नहीं निकल रहा है। सही है, अभी ये पाइप निकालना पड़ेगा। पाइप निकालना पड़ेगा बाद में निकलेगा ये। इसका पाइप निकालते हैं पहले क्योंकि इसको नया तो डालना है ही है। अभी खाली बराबर डाल नया डालना ही पड़ेगा, खोला है तो क्योंकि बाद में फिर लीक करेगा तो फिर कौन ये होगा। सही है, ऐसा पाइप नहीं डालना है पानी वाला जितना भी है। चलो देखते हैं कहाँ से लीक है ये। यहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, इसका टर्बो ही लीक कर रहा है। ये देखो इसका टर्बो ही लीक कर रहा है भाई। आधा बस आधा बस चलो भाई इसका टर्बो खराब है, अभी टर्बो नया लगाना पड़ेगा। ये जी ना हुआ बाद बस जो सब वो आप ही मोया रह दो। हाँ बस आधा जी ना हुआ आधा इतनी है इतनी नहीं हुआ बस मुमकिन कि अरे कैसे ये पानी यहाँ से आ रहा है इसमें आ रहा है। ये पानी यहाँ पे है इसके अंदर ये आ रहा है यहाँ से और ये आता है अपना सिलेंडर हेड में। सिलेंडर हेड तो कहीं से लीक नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है कहीं। चलो पहले
चेक करते हैं फिर हम लोगों को दिखा दें कहाँ से लेने से ये। ठीक है दोस्तों, हमने तो टर्बो खोला लेकिन टर्बो का लीक यहाँ से नहीं है। यहाँ ये अगर पानी वाला अगर यहाँ से लीक होता तो यहाँ से आता और यहाँ से निकल जाता, लेकिन इसका क्या है ये यहाँ से पानी आ रहा है। सही है, ये देखो इस साइड से यहाँ से पानी आ रहा है, यह आता है यहाँ से, ये वाला होल है। सही है, इसके अंदर पानी आता है। और ये आता है कहाँ से, ये आता है ये वाला ऊपर से, और एक ये इधर से चेक करें। देखो ये भी पानी का ये ऐसा ही नहीं, देखो लाल कलर का है ना, इसमें पानी है। तो हमको पहले ये खोलना पड़ेगा, ये इसका कूलर EGR कूलर। ये दोस्तों EGR कूलर खोल के देखते हैं, EGR कूलर खोलना पड़ेगा और खोल के देखते हैं कि क्या है कहाँ है इसका पानी या आ कहाँ से रहा है। सही है दोस्तों, चलो तो फटाफट EGR कूलर खोलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या लीक है या नहीं। ओके चलो फटाफट खोलते हैं फिर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका कहाँ से लीक निकला है, देखो ये देखो इसके अंदर पानी है, देख रहे हो, ये देखो ये पानी इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से अंदर बाहर निकल जाएगा। ये EGR का ये हवा यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, इधर से बाहर निकलता है, ये फिर दोबारा इनटेक में आता है, ये सर्कुलेशन करता है इसका ये। लेकिन ये लीक होने की वजह से यहाँ से आता है पानी, ये लीक है, यहाँ से पानी यहाँ आया, उसके बाद पानी यहाँ पे आया। सही है, इसके अंदर, फिर उसके बाद यहाँ से पानी आया, यहाँ से इसके बाद यहाँ लीक आया। अरे तो इसका टर्बो सही है, टर्बो लीक नहीं है, टर्बो का बहुत कीमत है, तो टर्बो नया नहीं लगाएंगे, सब पाइप वाइप सब नया लगा देंगे पानी वाला जितना भी है। सही है, कितना लीक है चुप जी। देखो इसको इसको खोलने के चक्कर में क्या क्या खोल दिए। चलो फिर सामान देखते हैं, सामान देखते हैं कितने का है नहीं है, क्योंकि इसका सामान तो मिल ही नहीं रहा है जल्दी, टर्बो का सामान नहीं मिलता है जल्दी। सही है दोस्तों, चलो सामान वामान लाते हैं फिर फिट करते हैं पूरा और कंप्लीट, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ओके ये देखिए दोस्तों अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। सही है, सब पूरा कंप्लीट हो गया है, इधर से वहाँ पर पानी वानी डाल दिए, ऐसे लीक वीक नहीं है, बस अभी पंखा वंखा चला के भी चेक कर रहे हैं कि सही है या नहीं, गाड़ी गर्म वरम तो नहीं हो रही है। सही है, तो बस यही प्रॉब्लम था इसी का ड्राइवरम। सही है, ओके दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।